हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्प में, जहां आप पाते हैं मेडिकल की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम फीमेल हार्मोन प्रिपरेशन दवा माइक्रोनेस्ड प्रोजेस्टोरन SR टैबलेट की बात करेंगे। महिलाओं में कब व किन कंडीशन में इस दवा का यूज़ किया जाता है व इस दवा को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं तथा किन कंडीशन में लेने पर यह दवा नुकसानदायक हो सकती है, जानेंगे और भी बहुत कुछ इस दवा के बारे में। तो आप बने रहिए वीडियो में पूरी जानकारी के लिए। नेचुरल माइक्रोनेस्ड प्रोजेस्टोरन SR मेडिसिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी यूज़ की जाती है। यह दवा ओरली ली जाती है। फीमेल में प्रोजेस्टोरन हार्मोन के रिलीज न होने के दौरान यह दवा यूज़ करने पर अपना कार्य करती है। यह दवा मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम जैसे एंडोगेस्ट SR टैबलेट, डिवागेस्ट SR टैबलेट, फीगेस्ट SR टैबलेट, लूपीगेस्ट SR टैबलेट व अदर नामों से भी मार्केट में आती है तथा 200 mg व 300 mg की स्ट्रेंथ में आती है। यह दवा टैबलेट के साथ साथ कैप्सूल फॉर्म में भी आती है। इस वीडियो में केवल टैबलेट फॉर्म की बात करेंगे। 300 mg स्ट्रेंथ वाली दवा की कीमत 400 रुपये तक पर स्ट्रिप हो सकती है तथा ब्रांड टू ब्रांड यो कीमत अलग अलग भी हो सकती है। माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टोरन SR टैबलेट प्रोजेस्टोरन हार्मोन के समान कार्य करती है। इसका यूज़ उन महिलाओं में जो प्रेग्नेंट ना हो व मेनोपॉज यानी रज्जोनिवृत्ति से भी नहीं गुजर रही हो, परंतु उनमें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया हो या काफ़ी समय से पीरियड नहीं हुए हो, तो उस दौरान इस कंडीशन में इस दवा का यूज़ फीमेल में किया जाता है। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग यानी अक्रियाशील गर्भाशय से ब्लड लॉस होने के दौरान जो कि हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है, उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। परंतु प्रेगनेंसी या मिसकैरेज के दौरान होने वाली ब्लीडिंग में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया यानी जब फीमेल सेक्स हार्मोन्स इनबैलेंस्ड हो जाते हैं तो पीरियड्स के टाइम हैवी ब्लड लॉस या रुक रुक कर ब्लीड होने पर भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी इस दवा को एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, यानी एक एज लिमिट के बाद जब फीमेल में पीरियड्स समाप्त होने के बाद यदि फीमेल द्वारा हिस्टेरेक्टोमी यानी गर्भाशय को हटाने के लिए सर्जरी नहीं की गई हो तो उस दौरान इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। माइक्रोनाइज प्रोजेस्टोरन SR टैबलेट लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे यूरिन पास करने में दिक्कत होना, ब्रेस्ट पेन, मसल्स और जॉइंट पेन, नोज़िया व कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस दवा का यूज़ प्रेगनेंसी या अगर प्रेगनेंसी का प्लान हो तो इसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए व ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसे यूज़ करने पर यो न्यूबॉर्न बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है। इस दवा को यूज़ करने के बाद ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए। माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टोरन SR टैबलेट को ओरली लिया जाता है तथा रात में सोते समय इसका यूज़ किया जाता है। फिजिशियन द्वारा इसकी डोज व कितने समय तक इसको लेना है तय किया जाता है। बिना डॉक्टर की अनुमति से इस दवा को यूज़ करना नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टोरन SR टैबलेट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।